नमस्कार। नमस्कार गुरुदेव। स्टूडेंट से बोल रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड हो रहा है। सभी को नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीटी क्वालिफायर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लाइव नहीं आ पाए, उसका रीजन ये था कि कल काफी बारिश हुई थी, आंधी चली थी, तो लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है, इसीलिए हम लाइव नहीं आ पाया। और लगभग 4 से 5 दिन हमको और लगेंगे सारा चीज लाइव आने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो में हम लोग मॉडिफिकेशंस वगैरह कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम लगेगा। क्योंकि स्टूडियो क्या था कि स्टूडियो के अंदर में ही अब हमारा ऑफिस का सेटअप कर रहे हैं, ताकि बार बार बाहर इधर उधर जाना आना ना पड़े। ठीक है, तो यही चीज थी आप लोग के लिए। आज एनटी के जो जीके के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको पढ़िएगा। ये जो क्वेश्चंस डाली है मोस्ट रिपीटिव क्वेश्चंस हैं एनटीए के द्वारा। ठीक है, बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, इनको आपको याद कर लेना है। तो आपको लार्ज फॉन्ट में भी दे दिया है जो लोग प्रिंट आउट नहीं ले सकते उनके लिए, और जो लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं उनके लिए हम लोग फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में हम लोगों ने ये डाल भी दिया है। ठीक है, बाकी बच गया कि करंट अफेयर्स की बात की, 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स हम लोगों ने डाल दी है, 3 दिन का आपका शेड्यूल्स भी हम लोगों ने डाल दिया है। डेली बेसिस पे आपको 2-2 महीने की करंट अफेयर्स करनी है, और देखिए इनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। 5 से 7 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, तो इसके लिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चंस इतने होने चाहिए कि आप उसको कवर कर सको, एग्जाम के अंदर में आए तो ऐसा ना लगे कि नया क्वेश्चन पढ़ रहे हो। और मैं हमेशा से आप लोग को ये कहता हूं कि क्वेश्चन वही हार्ड लगता है जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन वही हार्ड होता है जो आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो हम आपको इतने क्वेश्चंस कराएंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना तो हार्ड लगेगा और ना ही आपको ऐसा लगेगा कि आप पहली बार उसको एग्जाम के अंदर में देख रहे हैं। तो ठीक है, तो लगभग 3 दिन का शेड्यूल मैंने डाल दिया आप लोग को। हम लोग हो सकता है कि संडे, नेक्स्ट संडे या मंडे से डेली बेसिस पे 2-2 मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दें विद डिटेल वाला, ताकि जब तक हम लोग जो भी अपना कंटेंट है ना हम लोग डाल देंगे उसको। ठीक है, उसमें फिर 2-2 अगर हम टेस्ट सीरीज डालें उसके अंदर में क्या होगा, तो डेली बेसिस पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 40 से 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे विद डिटेल, है ना। वैसे ही मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, लगभग दोनों के मिला के 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो हम लोग को ये नहीं लगेगा कि हम किसी एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करें, डेली बेसिस पे हम लोग सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसे ही अपना इंग्लिश का भी होगा, हिंदी का भी होगा, कंप्यूटर का भी होगा। तो मुझे मालूम है हम लोग हरियाणा जीके अभी देना नहीं लगे, कई स्टूडेंट्स बहुत नेगेटिव जा रहे हैं कि हरियाणा जीके दो, हरियाणा जीके दो। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, एकलव्य की बुक बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोगों ने वो ले लिया, आप लोगों को और कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक 4200 क्वेश्चन आती है प्रीवियस ईयर की, वो ले लोगे, आप लोगों को और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, क्यों? आप लोग को एक नया कंटेंट चाहिए, नए तरीके से चाहिए, तो हम बना रहे डाल रहे, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग आपको देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा, पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चंस को कवर करना जरूरी है। हमारा काम कंटेंट देना है, आपका काम कंटेंट को पढ़ना है। ठीक है, मैं अपना कंटेंट देने से चूकूंगा नहीं, आपको कंटेंट पढ़ना है तो आप उसे नहीं चूकेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।